आज आरएसएस और बीजेपी देश में इतनी मजबूती के साथ आई है, ये छोटी छोटी वजहें हैं इसकी। अब असर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हम सब लोग खड़े होते ना तो वो प्रधानमंत्री थे और देश दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था, तो बाबा साहब का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो आज नहीं कल टॉप लीडरशिप बनी गए ना। देश का नुकसान हुआ, हम सबका नुकसान हुआ। शेड्यूल कास्ट कमीशन और शेड्यूल ट्राइब कमीशन, उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के बराबर रखी थी बाबा साहब ने। पूरे देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन होने चाहिए थे इन दो व्यक्तियों के लिए, और वो तीसरी दो बच्चियां जो हमारी हाथरस और कैंटोनमेंट में हुए, एक मीटिंग करनी और रेजोल्यूशन पास करना है। हम सब इन चीजों में इंटरफेयर करेंगे, सब जुडिस मैटर में भी इंटरफेयर करेंगे, वो कानूनी रूप से ठीक होगा। मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। नहीं, आप चालू रखो भाई, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, कोई आदमी सब कुछ बातें सही नहीं बोल सकता, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा। आप सभी लोगों को पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पूरी दुनिया में अब वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर्स में से एक है ऑल टाइम। क्या हम लोगों ने उनको इलेक्शन जिताए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इलेक्शन नहीं जीत पा रहे थे। हम लोग क्या हैं, ये विषय है। मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी रहा हूं, गवर्नमेंट चलाने और चलवाने का काम भी मैंने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अंदर से मैं सब चीजों को जानता हूं। सिर्फ एक ही बात कहके मैं ये बात अपनी समाप्त करना चाहूंगा, ये विषय कि हम लोगों को जब तक सही एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज और महिलाओं की सरकार नहीं आ जाती, उनकी आवाज वाली सरकार, तो बाबा साहब का पहला प्लान था ये आरक्षण तो प्लान बी है, जो मजबूरी में प्लान ए क्योंकि नहीं माना गया, प्लान ए पे अमल नहीं हो पाया, इसलिए आरक्षण प्लान बी है। प्लान ए था कम्युनल अवार्ड, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पार्लियामेंट में। बाबा साहब का पहला प्लान ये था, वो नहीं हुआ, इसलिए रिजर्वेशन। अब मैं इसी बात से बस ये टॉपिक ये वाला खत्म करूंगा। आप लोग खुद सब अपने दिल पे हाथ रखे, और आप सब लोग नेताओं से ज्यादा बहादुर है, जो जमीन पे कार्यकर्ता है, आम जनता है, सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटीज के महिला है, वो अपने नेताओं से कहीं ज्यादा बहादुर है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी की कमी है। आज मैं किसी, चलिए उदित राज जी का ही नाम लेके बात करूं, आप सब लोग, और मैंने ये देखा है इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपसे आपने से बहुत सारे लोग ऐसा ना करते हैं, राहुल जी आ जाएंगे, आप एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और उदित राज जी के साथ आप सब खड़े होंगे, राहुल जी आ जाए वहां पे, या सोनिया जी आ जाए, या प्रियंका जी आ जाए, तो उदित राज जी के साथ दिन रात काम करने वाले, मेहनत करने वाले, उदित राज जी जिनके लिए खून पसीना बहाते हैं और वो उदित राज जी के लिए बहाते हैं, वो सब या उसमें से बहुत सारे या ज्यादातर छोड़ के उदित राज जी को राहुल जी या सोनिया जी के पास चले जाएंगे। ये मैं सही बात है, मैं हो सकता गलत बोल रहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये त्रासदी है बहुजन समाज का। मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। नहीं, आप चालू रखो भाई, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, कोई आदमी सब कुछ बातें सही नहीं बोल सकता, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा। आप आगे सुन लीजिए ना, उससे पार्टी को फायदा नहीं होता है, उससे कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान होगा, उससे किसी भी पार्टी का नुकसान होगा, ये भी बात है। और आपका जो नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव है, उसका वजन आपकी आवाज उठाने के लिए कम हो जाता है। अगर
देखिए मैं ऐसी बात नहीं कहता कि मैं सारी बातें सही कहूंगा, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन इस पर विचार तो कीजिए, बात तो सुनिए। लेकिन अगर यही बात आप सब लोग खड़े रहे इनके साथ मजबूती के साथ, छोटी छोटी बातें हैं ये जो आज आरएसएस और बीजेपी देश में इतनी मजबूती के साथ आई है, ये छोटी छोटी वजहें हैं इसकी। तो अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो उदित राज जी के साथ जाकर आप सब मिलेंगे, सब का फोटो भी खिंचाया जाएगा, सबकी बातचीत भी होगी। अब जो ये पूरे कार्यकर्ता हैं, कभी दोबारा अपने चलिए पार्टी का नाम लेके बात नहीं करता, उस टॉप लीडर से बात कर पाएंगे दोबारा? जो लीडर है आपका, जो चुना गया वो कर पाए, तो उसका तो आपने वजन कम कर दिया, तो उससे पार्टी को भी नुकसान हुआ। गलत लोग जो कानाफूसी करके पद और दूसरी चीजें हासिल कर लेते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं, और आपकी आवाज उठाने वाला कमजोर हो जाता है, असली जेन्युइन आवाज उठाने वाला। इस पर थोड़ा सोचिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हम सब लोग खड़े होते ना, तो वो प्रधानमंत्री थे और देश दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था, तो बाबा साहब का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो आज नहीं कल टॉप लीडरशिप बनी गए ना। देश का नुकसान हुआ, हम सब का नुकसान हुआ। इतनी गहरी बात मैं आप सब लोगों के सोचने के लिए, विचार करने के लिए रख रहा हूं। सोचिए, देश का भी नुकसान हुआ ना, बाबा साहब नहीं बने प्रधानमंत्री, और उसी से ताल पकड़ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज बाबा साहब ने हम लोग ये सारे मुद्दे हैं ना, दो बाबा साहब ने स्वयं जितनी सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना उसके बराबर दो संस्थान बनाए थे, जो आज बाद में चेंज होके एक एससी कमीशन और एक एसटी कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन और शेड्यूल ट्राइब कमीशन, उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के बराबर रखी थी बाबा साहब ने। जो ताकत सुप्रीम कोर्ट की, इतना दूरदृष्टि थी बाबा साहब, इतनी ताकत रखी थी। उसके बाद ओबीसी कमीशन बनाया, उसकी भी संविधान से ताकत आती है सीधा, कोई जैसे माइनॉरिटी कमीशन है और महिला कमीशन है, महिला आयोग है, हैंडीकैप का आयोग है, चाइल्ड आयोग है, उसकी सब पार्लियामेंट से ताकत आती है, ये संविधान से ताकत आती है इन तीनों कमीशन से। जैसे राष्ट्रपति साहिबा की संविधान से ताकत आती है, चीफ जस्टिस की संविधान से ताकत आती है, प्रधानमंत्री की संविधान से ताकत आती है, अटॉर्नी जनरल साहब की संविधान से ताकत आती है, उसी प्रकार से हमारे ये जो तीन कमीशन है इनकी ताकत संविधान से आती है, इतने ताकतवर है। लेकिन होता क्या है, वहां भी एक हमारी सब लोगों की कमी है, हम लोग भूल जाते हैं। हमें लोग निर्भया कांड हुआ है उसको अंजाम तक पहुंचा के दम लिया उस एजुकेशन को करने वाले, हमने हाथरस अभी एक कल हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहां दिल्ली कैंट में, एक 9 साल की बच्ची को शमशान घाट में मार के रेप करके जला दिया गया था जिंदा, हमने उसका क्लोजर कराया सब नहीं। ये डॉक्टर रितु यहां बैठे हैं सामने, डॉक्टर रितु के डॉक्टर रतनलाल बैठे हैं यहां, पूरे देश में बैठे हैं, सॉरी पूरे देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन होने चाहिए थे इन दो व्यक्तियों के लिए, और वो तीसरी दो बच्चियां जो हमारी हाथरस और कैंटोनमेंट में हुए, ये हमारे ऐसे ऐसे बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बेइज्जत करेंगे और हम बैठ के तमाशा देखेंगे, ये है। और हमारे आयोग, बहुत ही माफी के साथ कहना चाहता हूं, खुद जो उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, खुद ही अपने आप को अपने हाथ काट के इन दोनों तीनों कमीशन ने खुद ही ये कहा है कि हम सब जुडिस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई उन पर बंदिश नहीं है, बिल्कुल बंदिश नहीं है संविधानिक रूप से, खुद ही कहा है कि हम लोग इन चीजों में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। एक रेजोल्यूशन पास करना है ना, जो कमीशन में कितने 4-5 मेंबर्स तो होते हैं आजकल,
एक मीटिंग करनी और रेजोल्यूशन पास करना है, हम सब इन चीजों में इंटरफेयर करेंगे, सब जुडिस मैटर में भी इंटरफेयर करेंगे, वो कानूनी रूप से ठीक होगा, लेकिन नहीं कर रहे, किसकी कमी है? सुप्रीम कोर्ट के बराबर पावर्स हैं इन तीन कमीशन में, ये सच्चाई है देश। तो हम लोगों को अब जो ये दो मुद्दे हैं इसको क्लोजर, हम भूल जाते हैं, हम भूले नहीं, अगर हम ये हाथरस, ये दिल्ली कैंप, डॉक्टर रितु का केस अभी ज्वलंत है, इससे पूरे देश में मैसेज जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में हमारे किसी भी पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं हो पाएगी। अब ये तक साबित हो गया है डॉक्टर रितु के केस में कि 35 बच्चे झूठे नकली साइन किए थे प्रिंसिपल ने, रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें इन्वॉल्व है। आप बताइए ना, इतना बड़ा अन्याय कोई कम है? द्रोणाचार्य कम बैठे आज? तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था। दूसरी के ये जो हमारे आयोग हैं उनकी ताकत बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को आंदोलन करने चाहिए, उनके पास ताकत है, उनको हौसला देने के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। और राष्ट्रपति साहिबा जो अभी बनी है ना, उससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख लेनी है कि मनुवादी अब मजबूर है, कोई एहसान नहीं किया मुर्मू साहिबा को बना के, एहसान नहीं किया, बन नहीं सकता। कोविंद साहब को बनाया था ना, कोई और बन ही नहीं सकता। अगर महिला आदिवासी या महिला शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति का कैंडिडेट 100 नहीं 200% हार जाता, मजबूरी में बनाया, और परिषद जैसे और दूसरे अंबेडकर आंदोलनों की वजह से मजबूरी में यह हालत है। और इतना जबरदस्त मजबूत कैंडिडेट होने के बावजूद भी सबसे कम मार्जिन से यशवंत सिन्हा साहब हारे, इतना बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नजर आ रहा था, अब बनाया, तब बनाया, कोई एहसान नहीं किया उनको। तो अब हमें सबको, अब राष्ट्रपति का पद तो ऐसा है ना कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, 5 साल के लिए कर ही नहीं सकता कोई कुछ, और राष्ट्रपति की पावर्स जो है अता है। तो क्या हम सब लोगों को द्रौपदी मुर्मू साहिबा के हाथ मजबूत नहीं करने के लिए, उनको यह याद नहीं दिलाने के लिए एहसान नहीं किया है, मजबूरी है, वो करें बाबा साहब के आदर्शों के ऊपर काम, कोई रोकने वाला नहीं, अगली बार फिर बनाना पड़ेगा, वो भी रोकने का वाला कोई नहीं। तो ये आजादी भी जब तक, मैं ये बार बार बात कह रहा हूं, जब तक हमारी खुद की सरकारें नहीं बनती ना, SC/ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं की जेनविन वाली, जो बाबा साहब का आइडिया था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, जब तक वैसा नहीं हो जाता इसी सिस्टम के तहत, इसी संविधान के तहत, तब तक हमें पॉलिटिकल पार्टीज में मजबूरी में जाना पड़ेगा। अब मैं तो क्योंकि खुल के बात कहना चाहता हूं और कहता भी हूं, मजबूरी में जाते हैं, कितने दंश रहते हैं जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं ईमानदार और सच्चे, आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को रोकना है ना, तो सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी सुन ले, चाहे इनको एक कड़वा घूंट पीना पड़े या नहीं पीना पड़े, ये खुद तय कर ले। कड़वा घूंट पिएंगे तो सत्ता में आएंगे, नहीं पिएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराने वाला कोई नहीं है। मनुवाद मनुस्मृति लागू होने वाली है, अगर हाँ ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी कड़वा घूंट पिएंगे, डॉक्टर उदित राज जैसे दूसरे लोगों को, जो इनकी सही जगह पार्टी में इनका कद ये होना चाहिए जहां पे रखा हुआ, हमें इन्हीं की बात नहीं करना चाहते, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज में लोग हैं हमारे, उनका कद क्या वो है जो उनका होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, माफी चाहता हूं कुछ आज भावनाओं में अगर कुछ मैं ज्यादा बोल गया हूं तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये मेरे दिल की भावना है, अगर ऑपोजिशन पार्टीज को सत्ता में आना है तो SC/ST OBC माइनॉरिटीज को उनका हक, जो बाकी लोगों से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सरकार के लेवल पे ऊपर है, वो देना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाए, आ ही नहीं सकते। तो वे फिर हमारे लोगों के साथ बाद में धोखा करके फिर हटा दें, लेकिन एक बार अगर वापस आना है, हटाना है भारतीय जनता पार्टी, तो
सही लोगों को जो SC ST OBCs माइनॉरिटीज हैं, OBCs हैं, उनको उनका हक बाकी लोगों से ऊपर देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम।